हम इस समय महाराजगंज के सोनौली सीमा पे मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी ही बीता है और सियासी गलियारे में एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर जो है शुरू हो चुका है। तो लोगों के बीच चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। देखा जाए तो अब उपचुनाव का क्या संदेश कोई और बन रहा है विशेष? उपचुनाव बढ़िया चल रहा है, भाजपा सरकार अच्छा है, हम लोगों का खेती पैसा भी अच्छा मिल रहा है और उससे खाद वगैरह जो राशन मिलता है मतलब फ्री मिल रहा है, सब कुछ भाजपा सरकार अच्छा है। कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। देखा जाए तो अब उपचुनाव होने वाले हैं, तो उपचुनाव का क्या संदेश कोई और बन रहा है विशेष, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आया, तो क्या लगता है कोई और विशेष बन रहा है? देखिए, विशेष तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत का सरकार किसका है? समाजवादी पार्टी का सरकार है। जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो है बीजेपी हार गई। और रही बात अभी जो कह रहे हैं कि जो है पूरा विकास जो है भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, आप देख लीजिए 13 सीट पे चुनाव हो रहा है, उसमें जो है 11 सीट के 12वां सीट दिखा रहा है कि गठबंधन चुनाव जीत रही है। ये बताइए, इनका विकास होता तो ये लोग हारते क्यों? ये अपना मुद्दा ये केवल गुमराह करने की बात करते कि राशन ये बताइए, जब याद से मिल रहा है राशन तो पहले भी मिलता था, जब इंदिरा गांधी जी थी तभी मिलता था, कांग्रेस के ज़माने से मिल रहा है, चाहे वो अंत्योदय का हो चाहे बीपीएल का हो। और इस समय राशन जो दिया जा रहा है, चीनी आपका हटा दिया गया, मिट्टी का तेल आपका हटा दिया गया, और कान मड़ोड़ करके वही पैसा एडजस्ट करके मैंने फ्री दे दिया। फिर कहते हैं ना, दिन भर हमारे बच्चों को लाइन में खड़ा कराया जा रहा है, हमारे बच्चों को दिल से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही काम है। और महंगाई की बात, और ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि जो महंगाई है, आप मार्केट में चले जाइए, जो पहले 8 रुपये किलो आलू मिलता था, 15 रुपये किलो प्याज मिलता था, आज 40 रुपये किलो आलू, 40 रुपये किलो प्याज, भिंडी टमाटर 100 रुपये पार जा रहा है, भिंडी देख लीजिए 100 रुपये पार जा रहा है, गौड़ा तरोई की बात देख लीजिए, जो कुनरू किसको पूछता नहीं, जिसको कलकट कहते लोग, लेकिन आज वो देख लीजिए 60 रुपये। ये क्या विकास है? और आपके सामने देखिए रोड, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है पूरे। आपके पास आएंगे, कुछ जवाब ले लेते हैं। देखा जाए अगर तो 13 में से 2 पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी उपचुनाव की अगर बात करें, तो क्या लगता है कि बदलनी पड़ेगी जो नीति है, क्या नीति में ही गड़बड़ी है, कुछ नीति बदलनी पड़ेगी अब होने वाले उपचुनाव में? नहीं, योगी सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, योगी सरकार हमारा बहुत अच्छा, यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में हम व्यापारी हैं और पूरे संतुष्ट हैं यहाँ पे। मतलब जो क्राइम पहले होती थी वो क्राइम अब बंद हो चुकी हैं, और यहाँ पे योगी सरकार मतलब गरीबों के हित के लिए भी कई योजनाएँ चला रही हैं जो उनको मिल रही हैं, और ये पहले जो चोरियां होती थी वो नहीं हो पा रही हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, लोगों के सीधे खाते में पैसा जा रहा है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। अभी क्या देखा जाए अगर 13 में से 11 इंडिया गठबंधन के पास है, तो क्या लगता है कि अब रणनीति बदलनी पड़ेगी चुनाव में? जैसे पूरे भारत में जो भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, जो विपक्ष के जो लोगों ने, जो एक आदमी जो अयोध्या का जो है लल्लू सिंह ने अपनी गलत बयान दे करके भारत को संविधान को जो है बदल देना है, उसको ये लोगों ने मुद्दा बनाया। वो ये नहीं कहे कि जो है इस तरीके से बदल देना कि इनको जो है मुसलमानों को या दलितों को बहिष्कार कर देना है, ऐसा नहीं। उन्होंने जो कहा उनके मुंह से एक वाणी निकल गया, ये लोगों ने उसको भजाए, पूरे भारत में चला, पूरे भारत में नहीं चला, पूरे यूपी में ये लोगों ने जो गठबंधन में ये लोग उठाया, जो केवल संविधान खतरे में है, यही ये लोग कहे और कुछ नहीं कहे, संविधान खतरे में है, इसलिए दलित यादव और मुस्लिम एक होकर के जो ये चुनाव हुआ है उसमें तब भी 240 सीट जो है भाजपा का जो है निकल बना। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या चाचा, देखा जाए तो 13 सीटों में 11 पे इंडिया गठबंधन आ गई, तो क्या लगता जनता का विश्वास बढ़ा है क्या विपक्ष पर? क्या बढ़ा है और क्या घटा है? विपक्ष जो है कुछ नहीं कर पाया तो आज क्या कर पाएगी? इतना लोग गठबंधन बनाए और इसमें सफल नहीं हो पाए तो अब क्या सफल होंगे? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसकवादी है, तो ये कहाँ संविधान में लिखा है कि हिंदू जो है हिंसकवादी है? तो जो आज सरकार नहीं बना पाए तो कल का क्या बनाएंगे ये लोग साफ हैं।
कुछ आप बोल रहे थे, आपका जवाब ले लेते। बोल रहे थे कि अभी संविधान की बात कर रहे थे, संविधान सिंह से हम पूछना चाहते हैं संविधान के कै पेजे जानते हैं। चौथा संस्करण शायद लोकतंत्र में लिखा हुआ है, चौथा संस्करण में जितना संविधान में बदला गया है 27 पेज की बदला गया है। आप अनुच्छेद यहाँ देख लीजिए, अभी नगर पंचायत की बात है, अभी इनसे पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। अभी यहाँ नगर पालिका में और नगर पंचायत में आपका जो है 243 के कै के तहत उसमें भी संशोधन किया गया है। और आप अभी देख लीजिए जो जितना जो है धाराएँ बदली जा रही है, कहते हैं अंग्रेजों का बनाया हुआ। ये बताइए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ, क्या वो अंग्रेज थे क्या? पहले सबसे पहले तो उनका ही अपमान कर रहे हैं। और अभी हमारे बड़े भाई जो है अभी कह रहे थे कि विकास हो रहा है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में मैं व्यापारी हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये व्यापार करते हैं तो इनको पता होगा, अगर एक व्यापारी से अगर 25 लाख रुपये का अगर ये सामान लेकर के आते हैं, अगर उसको 15 लाख रुपया दे दिया, अगर 5 लाख रुपया उनका बकाया रह गया तो उनको 15 से 20 दिन के अंदर अगर वो नहीं देते हैं तो उसका भी टैक्स उनको वसूल करके इनको देना पड़ता है। और बड़े उद्योगपतियों का इनका फायदा कराने, ये कहते हैं हमारे लिए विकास हो रहा है, इनका कमर तोड़ा जा रहा है। ये विकास नहीं, ये अपने लिए नहीं बात कर रहे हैं, ये जनहित के लिए अगर बात करेंगे तो हर नौजवान के लिए, हर बच्चों के लिए, हर देखिए अभी अभी आप कह रहे थे विकास हो रहा था, अभी आप देखे रेलवे पटरी पर एक भाई बहन को अपने लेकर के जा रहा था, इतनी व्यवस्था ढीली हो गई है कि हॉस्पिटल हो, चाहे आपका बेरोजगार हो, चाहे नौकरी हो, सब घोटाला करने का काम है। चाहे पेपर लीक की बात हो, इनके सहयोगी द्वारा आप देखे हैं और सहयोगी द्वारा पेपर लीक हुआ। अब विकास अगर देखा जाएगा तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे चौतरफा अगर सुनौली नगर पंचायत में अगर विकास करने का काम, कोई न्यू डालने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की है। लेते हैं आपसे, 7 राज्यों में अभी चुनाव का परिणाम आया है, 13 सीटों में 11 पे इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, 2 पर सिर्फ बीजेपी को मिली है, तो क्या लगता है जनता का विश्वास बढ़ा है क्या विपक्ष पर? नहीं, विपक्ष पे विश्वास नहीं बढ़ा है, जैसे अब सब लोग एक साथ और अकेला बीजेपी, तो ये भी एक समस्या है भाई। अब कोई भी अब 99-1 हो जाए और अकेला 1 हो जाए तो फर्क तो पड़ेगा ही भाई। इसके लिए तो भाई अब भाई उसको भी तो भाई थोड़ा काम करने के लिए उसको थोड़ा समय मिलना चाहिए। अब अभी अकेले की बात कहें, जुबान पे आ गए तो बात उसको सुन ले। ये अकेले कहते हैं मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं, ये कहाँ अकेले, 43 पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं अपने पार्टियों के। संजय निषाद जी कहाँ चले गए, राजभर जी कहाँ चले गए, संजय चौहान कहाँ चले गए, सुवन प्रिया पटेल कहाँ चली गई, ये कह रहे हैं कि नीतीश चाचा कहाँ चले गए, आपके चिराग पासवान कहाँ चले गए, ये कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ते हैं। अरे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे सूखे बांस में छिलका छीले, इनके पास जानकारी है नहीं, क्या बात करेंगे। अकेला अगर कोई लड़ था उत्तर प्रदेश में तो 2 ही पार्टी की, इंडिया गठबंधन, चाहे आपका जो है कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, और एक समाजवादी पार्टी की तुलना करेंगे। अच्छा ये बताइए, 13 अभी जो परिणाम आए हैं, उपचुनाव के परिणाम आए हैं, 13 में से 11 में जो है इंडिया गठबंधन को जीत मिली, तो क्या लगता है सियासी जो नीति है इनको बदलनी पड़ेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये भोली भाली जनता को जो 8,500 का लॉलीपॉप से जो है बहकाया गया है, लेकिन जनता जो है इस चीज़ को समझ चुकी है। लेकिन उपचुनाव के परिणाम जो आ रहे हैं वो भी तो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 13 सीटों का परिणाम आ जाया और इसमें से 2 सीटें सिर्फ बीजेपी को। वो तो समय आएगा, आप सभी के सामने आएगा, ठीक है। और जहां तक मोदी जी के काम और योगी जी के काम पे जो है जनता मुहर लगाएगी, वो आने वाला समय अपने आप देखिएगा। अयोध्या की जो रोड बनी है इसलिए फंस जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काम था, ये कह रहे थे विकास हो रहा है। अयोध्या में अभी कितना, 38 लाख करोड़ रुपया दिखा देंगे, करोड़ों करोड़ करोड़ दिखाएंगे, 10 जा रहा है। अभी बताइए, अब राम मंदिर जो है कितना चंदा गया, सरकारी खजाने से पैसा गया और चू रहा है, ये विकास कहते हैं मोदी जी? कोई विकास नहीं है। ये क्या कह रहे हैं अयोध्या के, ये विपक्ष वाले हैं, ये समाजवादी के उनके मोहरा है। ये कहने का मतलब यह है कि अभी ये लोगों ने ये कहते थे कि ईवीएम जो है गड़बड़ है, मोदी जी ईवीएम बटन दबाएंगे हाथी पे चला जाए कमल में, बटन दबाए साइकिल में चला जाए कमल में। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ईवीएम कमल होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। ये लोग उठाते हैं मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर कि ये लोग जो है ईवीएम को चेंज कर दिए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईवीएम कहाँ चला गया,
निष्पक्ष चुनाव हुआ है। जब जीत जाते हैं आप तो कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी। हम कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आपके सामने कहा है 80 में 80 अगर मैं जीत जाऊं तो भी मैं ईवीएम पे सवाल उठाऊंगा। मैं खुल के आपको बता दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं इनका। ये ईवीएम की जो बात कर रहे हैं, अगर 85 की बात 15 और 85 की बात अगर करेंगे तो जनता इतनी जो है नाराज होकर के एक तरफा अगर बटन दबाने का काम करेगी तो इनकी जो है ईवीएम काम नहीं करेगी। वही आज जनता जो है चाहे से लेकर के नगरी शहर से अगर लेकर के देखेंगे तो आज जनता आक्रोश होकर के जो है गठबंधन को इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया है, इसलिए इनकी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन पाई। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 27वें जिस दिन हमारी से फिर लड़ाई होगी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी समाजवादी पार्टी, में आपसे कहने आया। चलिए और कुछ लोग उनसे भी बात कर लेते आपसे बात कर लेते। कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो जाए, मैं चैलेंज देता हूं योगी मोदी जी के इस बार जो संविधान के खतरे में देकर के लोगों ने वोट लिया है, जो 8,500 रुपया खटाखट जो लल्लू राहुल गांधी ने कहा खटाखट 8,500 रुपया पर व्यक्ति को मिलेगा और 1,00,000 रुपया वो मिलेगा जो है, इसी के दिमाग डैमेज करके ये लोग जो है वोट डलवाए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जब इन लोग की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, कोई बहन कोई भाई सुरक्षित नहीं था। हत्या बलात्कार और चैन चरणजीत गोरखपुर में आज कहीं कोई बता दे कि हत्या बलात्कार हो रहा है 100 में 1%। और मैं बताना चाहूंगा परिवारवाद ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कुछ और जवाब ले लेते हैं, कुछ लोग हैं उनसे जवाब लेते हैं। क्या अगर देखा जाए तो उपचुनाव का जो परिणाम आ रहा है, उपचुनाव के परिणाम से क्या लगता है कोई और विशेष बन रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उपचुनाव अब हो रहा है, अब जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से उपचुनाव आया, उपचुनाव में जिस तरह से परिणाम आया, आज उपचुनाव के परिणाम आए हैं कुछ, जिसमें 13 में से 11 इंडिया गठबंधन को मिली, 2 सीटें बीजेपी को गई, तो क्या लगता है कोई और विशेष बन रहा है क्या? देखिए विपक्ष का काम है ही, जब मुद्दा नहीं मिलता है तो तरह तरह के चर्चाएं चलाते हैं, चुनाव का मुद्दा लेते हैं, सड़क का मुद्दा लेते हैं, विकास का मुद्दा लेते हैं। हम सबसे पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब लड़ाई हो रही थी यूक्रेन और रूस की 2022 में, तो उन्होंने जो बच्चों को निकालने का काम मोदी जी ने किया, आज जो है पूरे विश्व के लोग मोदी जी को गुरु क्यों मानते हैं? कारण है ये मोदी जी जो है निस्वार्थ हैं, स्वार्थ में नहीं चलते हैं। मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा जो है हमको प्रधानमंत्री मिल गया, ऐसे ही प्रधानमंत्री को बरकरार रखने के लिए 2024 में लाए। अब विपक्ष का काम यह है कि 8,500 के लॉलीपॉप दे करके भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करने का काम किया है। और उसके बाद जो है आज जो भारतीय जनता पार्टी यूपी में है, हर जगह है, वहाँ पर माताएं बहनें सुरक्षित हैं, आज जो है सड़क सारा व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज बहन मेरे जो है सड़क पर निकलती हैं दिन रात, कभी भी घर पर आवे और उनको जो है कोई टच करने वाला नहीं है। आज उसके बाद जो तहसील कचहरी आज जो है खाली क्यों पड़ा है? क्योंकि उनके पास जो है मोदी जी ने विकास दे दिया है, लड़ाई नहीं हो रही है, इसलिए जो है मुकदमा नहीं हो रहा है, सब काम में बिजी हैं। मोदी जी लगा दिए, विदेश की कंपनी मोदी जी मंगाने का काम कर दिए हैं, वहाँ पर जो है विदेशी लोग आएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है इन्होंने न्यू डाल दिया और यहाँ के भारत के मूल निवासी जितने उसमें काम करेंगे। और रही गई सवाल यूक्रेन की बात है, तमाम जो है प्रकार की बातें आ रही हैं, यूक्रेन में जो है कई देश के बच्चे फंसे थे, 2022 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस पीरियड में मोदी जी ने 4-4 मंत्रियों के लेकर के बॉर्डर पर जाकर के बच्चों को निकालने का काम किया है। ये इनकी जो है ये लंबी भाषण जो झोंक रहे हैं, इनको खुद नहीं जानकारी है। अगर जानकारी रहती तो मणिपुर में इतना खतरनाक हादसा हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। आपके मंडल में जो बस्ती में आज एक अपहरण दिन दारे अपहरण कर करके उसको मारा पीटा जा रहा है, उसके घर में घुस करके और अपहरण कर लिया जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे? अभी प्रशासन की छानबीन चल रही है, अभी आज की बात कर रहे हैं मैं आपको। और ये कह रहे हैं कि जो है हमारी सरकार में सुरक्षित है, माँ बहन बहन बेटियों हमारी सुरक्षित है। आपके अभी देख लीजिए वहाँ पर के हाथरस में, मतलब आपको लगता है विकास नहीं है? मैं विकास कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये जहाँ जिस धरती पे खड़े हैं, इस जिला बनाने का काम कोई किया है तो जितेंद्र सिंह जब थे उनका नाम नहीं लेते हैं, गोरखपुर जाते थे तो गोरखपुर से महाराज डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग किए थे। और जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई तो आपके सुरौली बॉर्डर पे जो है बीपी सिंह की सरकार थी, तो उस समय फीता काटने का काम माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और आपके जो हॉस्पिटल की बात अगर देख लिया जाए नौतरमा में, चाहे वो जनता चौक का हो, चाहे अड्डा का हो, चाहे फरेनी
का हो, चाहे आपका अखिलेश सिंह जी का हो, चाहे आपका यहाँ डिग्री कॉलेज हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे अगर ये न्यू डालने का काम कोई किया था तो समाजवादी पार्टी की सरकार। ये मोदी जी की बात कर रहे हैं, शाहरुख खान की बात नहीं करते हैं, जो अपने विदेशों में जा करके वो फांसी की सजा हो रही थी, उसने वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि वो ललकार कर दूसरे विदेशों से उनको छुड़वा कर लाने का काम किया, वो सरक कहते हैं कि हमारे मोदी जी की सरकार। इनकी मोदी जी कहा अभी हाथरस में जो कांड हुआ था, तो राहुल जी हमारे और समाजवादी पार्टी के लोग आपका 1-1 लाख रुपया देने का काम करने का काम कर रहे हैं, इनके हाथरस के जो कांड हुआ, इनके मोदी जी जो है भागने का काम कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।